अनुदान तारतम्य आरोप सिद्दरामय्य विरुद्ध इवत्तु राज्यसभेयल्लि प्रधानी नरेंद्र मोदी टक्कर कोट्टिद्दारे नन्न देश केवल सीमितवागिल्ल बेंगळूरु कूड नन्न देश चेन्नै कूड नन्न देश हैदराबाद कूड नन्न देश पुणे कूड नन्न देश नानु एल्लरन्नू कूड एक समानतेयिंद काण्तीनि राज्यगळ अभिवृद्धियिंद देशद अभिवृद्धि अन्नुवंत मंत्रवन्न पठिसिद्दारे राज्यगळु ओंदु हेज्जे मुंदे इट्रे नानु एरडु हेज्जेन मुंदे इडोदक्के सिद्धनिद्दीनि अंत प्रधानी मोदी अवरु सिद्दरामय्य विरुद्ध गुडुगिद्दारे ओक्कूटगळु परस्पर सहकारदिंद पैपोटि माडबेकु सीएम सिद्दरामय्यगे मोदी अवर टक्कर नुडिगळिवु कोविड संदर्भवन्न हेगे एदुरिसिद्वि एल्लरू कूड ओट्टागि ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಕೋವಿಡ್ ನ ತೊಲಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ हमारा टैक्स हमारी मनी किस भाषा में बोला जा रहा है ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए देश को आगे बढ़ना है देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए आदरणीय सभापति जी पिछले 10 वर्ष नीति और निर्माण के आदरणीय सभापति जी आदरणीय सभापति जी Nothing will go on record. No. Honorable आदरणीय सभापति जी take your seat. नीति और निर्माण This conduct doesn't suit your position. ये नए भारत की नई दिशा दिखाने के लिए Please take your seat. जो दिशा हमने पकड़ी जो निर्माण कार्य हमने लिए हैं बीते एक दशक में हमारा पूरा फोकस बेसिक सुविधाएं जरूर मिले उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहा है आदरणीय सभापति जी हर परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे उसके जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़े अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम कैसे सुधार लाए हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति पूरा सामर्थ्य ईज ऑफ लिविंग से एक कदम आगे बढ़ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं हम उसके लिए जाएंगे आदरणीय सभापति जी आने वाले 5 वर्ष न्यू मिडिल क्लास जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विस्तारक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना उस मोदी कवच को और मजबूत बनाने और ताकत देने वाले आदरणीय सभापति जी आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो आदरणीय सभापति जी हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए खाने में परहेजी रखिए ढिकना करिए फलाना करिए कहना क्यों कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए जो गरीबी से बाहर निकला है ना उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपकने जाए और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए ये समय हमने गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापिस उस गर्त में डूबने जाए हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना उसके पीछे ये इरादा है परिवार में एक बीमारी आ जाए ना मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसलिए हम अनाज देते हैं अनाज देते रहेंगे किसी को बुरा लगे या न लगे 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं न्यू मिडिल क्लास हुए हैं लेकिन मुझे समझ है मैं उस दुनिया जी करके आया हूं उनको जरूरत ज्यादा है और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी
आदरणीय सभापति जी, देश जानता है आदरणीय सभापति जी, और इसीलिए मैंने गारंटी दी है। मेरी गारंटी है गरीबों के 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति जी, मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जुड़ जाए। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अभियान है। अगर परिवार बड़ा होता है, नया परिवार बनता है, पक्के घर देने का मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा। नल से जल योजना मेरा पक्का इरादा है, मेरा पक्की गारंटी है कि नल से जल, हम नए शौचालय बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेरा पक्की गारंटी है, हम जारी रखेंगे। ये काम सारे तेजी से चलेंगे क्योंकि विकास का जो रास्ता, विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है, इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक बढ़ी, अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो, देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो, और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन, पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टियर 2 टियर 3 सिटी नए नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना, पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्थिति लाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लाखों रुपये बच जाए, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले, और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे, उसलिए मैं कह रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह बढ़ना था। मैं देखने वाला हूँ 5 साल खेल जगत के अंदर
दुनिया में भारत के युवा की शक्ति की पहचान दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से व्यवस्था होने वाली है। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा, देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी, इलेक्ट्रॉनिक हर गुड में वो चीफ होगी।